हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। बात अगर करते हैं हम बालकनी की, तो वो पोर्शन है जहाँ से हमें आकाश दिखाई देता है, और आकाश हम सबको बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि जब बादल आते हैं और बारिश लाते हैं तो उस जगह बैठने में इतना सुकून मिलता है। ये शाम के टाइम या ठंड हो तो धूप के टाइम वहाँ बैठना कितना अच्छा लगता है। लेकिन अगर वही बालकनी को हम ऐसा कर देते, कई बार हम क्या करते हैं, सोचते हैं इसका यूज़ नहीं है, तो हम घर का जितना भी वेस्टेज सामान होता हम जाकर वहाँ रख देते हैं, तो होता क्या है कि आप वहाँ बैठ भी नहीं सकते हैं और बहुत बोरिंग लगता है। ये कभी कभी हमको लगता है कि हमें बालकनी को सजाने के लिए बहुत ही महंगी सामान लानी पड़ेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अपने जो वेस्ट सामान से DIY किया था वो मैंने उसमें सजाया है, और आप देखिए आपको कैसा लग रहा है, और आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक थम्सअप जरूर दीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए, बक बक ना करते हुए, चलिए देखते हैं कि मैंने अपनी बालकनी को कैसे उसको यूटिलाइज किया है और उसको डेकोरेट किया है। और हम लोग का मोस्टली टाइम वहाँ पे बुक्स पढ़ने में, ये चाय पीने में ऐसे ही स्पेंड होता है, क्योंकि आकाश देखना बहुत अच्छा लगता है। खुला खुला जहाँ पे होता है वहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत बकबक हो गई, चलिए देखते हैं कि मैंने अपनी बालकनी को बिल्कुल जीरो बजट में कैसे सजाया है। जो मेरे पास सामान था उसी से मैंने सजाया है, चलिए देखते हैं। आज वेदर भी बहुत अच्छा था, तो ऐसे में काम करने में और अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा सबसे पहले बालकनी को डेकोरेट करने के लिए उसकी सफाई करना बहुत ज़रूरी। तो इसकी जो वॉल है वो बहुत गंदी थी, मैंने एशियन पेंट का ये कलर लिया है और उसको 3 कोट किया, कहीं कहीं मुझे 4 कोट भी करना पड़ा है। लेकिन उसके बाद बालकनी काफ़ी नीट एंड क्लीन लग रही थी, और मैंने कोई कलर ऐड नहीं किया, क्योंकि हम लोग रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं तो उनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अब लीजिए, मैंने एक DIY किया है जो काफ़ी इजी और काफ़ी अच्छा है। वो गत्ते को मैंने काट लिया, उसमें टेलकम पाउडर डाला, थोड़ा सा वाइट कलर डाला और थोड़ा सा ब्लैक कलर डाला है। कुल मिला के मैंने ग्रे कलर बना लिया है, और एक सर्कल लिया है जिसको रख के मैंने बहुत ही ईजी तरीके से फ्लावर बनाया है। जो आप देखिए, जिनको पेंटिंग नहीं आती वो भी बहुत अच्छे से इसको बना सकते हैं। और उसके बाद इसमें एक कोटेशन लिख दिया है जो आपको बाद में दिखाई देगा। पहले आप इंजॉय करिए कि ये पेंटिंग कैसे बनी, और बहुत ही ईजी है। और ऐसे ही कुछ छोटे छोटे जुगाड़ से ही मैंने अपनी बालकनी को डेकोरेट किया है। कुल मिला के मेरी बालकनी बहुत कम बजट में तैयार हुई, और आप देखना इतना क्रिएटिव वर्क है इसमें कि मैंने छोटी छोटी चीज़ों से बहुत अच्छा उसको डेकोरेट करने की कोशिश की है। और लीजिए, लगभग मेरे सारे फ्लावर तैयार हो गए हैं। अब इनका जो सर्कल है मैं उसे येलो कलर से करूँगी, और शेड देने के लिए मैंने पिंक कलर यूज़ किया है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है इन फ्लावर में। और वैसे भी वाइट के साथ येलो और पिंक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। और जो मैंने इसमें कोटेशन लिखी है वो भी काफ़ी अच्छी है, जो अगर मॉर्निंग में मैं सबसे पहले बालकनी में जाती हूँ और जाने के बाद विश करती हूँ गॉड से कि आज का दिन बहुत अच्छा हो, और हम मेरा ही नहीं लगभग सभी लोगों का, बहुत मुझसे जुड़े जितने लोग हैं सभी के लोगों का डे बहुत अच्छा हो, तो इसलिए मैंने इसमें कोटेशन भी ऐसी लिखी, टुडे इज़ हैव अ गुड डे, कुछ इसी टाइप की मैंने लिखी। अब मुझे याद नहीं है, मैंने अपनी डॉटर से लिखवाई थी। और लीजिए, पूरी पेंटिंग तैयार हो गई, अब बालकनी में आ गए हैं। सबसे पहले मैंने ये रैक साइड में रख दी है, इधर क्लीन कर लिया था, और उसके बाद उसके ऊपर मैंने सजा दिया है। सबसे बड़ी बात, बालकनी को हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि उसमें मेडिटेशन कर सकते हैं, तो यही सोचकर मैंने थोड़ा सा ऐसा डेकोरेट किया है कि मेडिटेशन के लिए भी हो सकता है, और उसके साथ ही बुक्स वगैरह भी हम लोग पढ़ते हैं या कभी भी बैठ के गपशप भी करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही, मतलब सिर्फ डेकोरेशन ही नहीं करना है, उसको ऐसा सजाना है कि जो हम यूटिलाइज भी कर सकें उस जगह को। और ये मैंने, अब आ जाते हैं फर्श की तरफ, तो फर्श काफ़ी गंदी हो रखी थी, तो उसको क्लीन करने के लिए मैंने जो है टाइल्स वाले भैया से पूछा, तो उन्होंने मुझे ये एक लिक्विड दिया जिससे बोले टाइल्स बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे, और काफ़ी हद तक टाइल्स मेरी काफ़ी साफ़ हो गई। उसके बाद मैंने जो भी DIY किए थे, ये वाले DIY मैंने आपसे शेयर नहीं किए हैं, तो ये सारे DIY मैंने पहले बना रखे थे, उन सबको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। और आपने देखा फ्लावर को बनाना कितना इजी था,
और कुछ लोग जो ड्राइंग से डरते हैं तो उनको लगता होगा ऐसे फ्लावर बनाना कितना टफ है। ऐसे हम लोग भी कई बार अपनी लाइफ में होने वाले प्रॉब्लम से इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि जो उसमें रंग भरने होते हैं उनमें उनको अच्छे से जीना होता है वो जीना हम भूल जाते हैं। तो हमें याद रखना है कि हर चीज़ बहुत ईजी है, बस देखने का नज़रिया बदलना है। और सबसे बड़ी बात है जो बहुत छोटी भी है कि आज को आप अपने अच्छा बनाइए, खूबसूरत बनाइए, तो अपने आप फ्यूचर आपका बेटर बन जाएगा और लाइफ अच्छी हो जाएगी। और लाइफ है इसीलिए उतार चढ़ाव हैं, तो लीजिए एंजॉय करिए मेरी पूरी बालकनी को। पथल चट्टा का प्लांट है जो काफ़ी दिनों से बहुत अच्छा हरा भरा है, बीच में मैंने अजवाइन का प्लांट लगा रखा है। और ये लीजिए ग्रास मैट भी पड़ी हुई है, आप चाहो तो नीचे भी बैठ सकते हो, चाहो तो चेयर पर बैठ सकते हो। इस टाइप से मैंने डेकोरेट किया है। और ये बॉटल है, इनको मैंने ऐसे कट किया है कि दोनों साइड से मैं हैंग कर सकती हूँ और इसमें प्लांट लगा सकती हूँ, इससे बैलेंस भी बना रहता है, बॉटल एक साइड गिरने का डर नहीं रहता है। और ये मैंने बनाया था रेड, लेकिन उसकी मुस्टाच मैं लगाना भूल गई। और ये मटकी मैंने काफ़ी पहले DIY की थी, 1 ईयर हो गया होगा, लेकिन इसका वीडियो मैं आज तक अपलोड नहीं कर पाई, बल्कि वो वीडियो मुझसे डिलीट भी हो चुका है। और ऊपर मेरे फेवरेट प्लांट जेट प्लांट और कैक्टस लगा हुआ है, जो हमें लगता है हर किसी को, कैक्टस तो सबको नहीं अच्छा लगता है, लेकिन जेट प्लांट्स लगभग सभी को बहुत पसंद होता है। और यहीं पे बच्चों की बुक्स और मेरी बुक्स भी रखी हुई हैं, कभी कभी मैं रीड कर लेती हूँ, क्योंकि बुक्स पढ़ना एक बहुत अच्छी हैबिट में है। आप इधर उधर उल्टा सीधा गपशप करते हो, उससे अच्छा अगर आप बुक्स पढ़ोगे तो आपका माइंड भी बहुत अच्छा रहेगा। और जो ये डोर देख रहे हैं, ये मेरे जो है बेडरूम का डोर है, ये बालकनी बेडरूम से लगी हुई है और ये थोड़ी छोटी है। दूसरी बालकनी मेरी जो है हॉल से लगी हुई है, जो किचन और हॉल को कवर करती है, तो उसका टूर मैं बाद में आपको दूंगी। और ये सारे मेरे DIYs जो आपने मेरे पिछले वीडियो में देखे हैं, और जिन्होंने नहीं देखे तो वो जाकर देख भी सकते हैं। टाइल्स को क्लीन करते समय मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि ये बिल्कुल बहुत बड़ी सच्चाई है कि जिस चीज़ की हम केयर नहीं करते वो कितनी जल्दी ख़राब होती है, चाहे वो लाइफ हो या बॉडी हो। और हमें हर चीज़ की केयर करना चाहिए, हर चीज़ केयर वैसे मांगती भी है। और लीजिए आप एक बार पूरा फुल टूर करिए और देखिए कैसी है मेरी बालकनी। इन बॉटल को भी मैंने कट करके ऐसा हैंग किया कि दोनों तरफ से बैलेंस रहे। और ऐसे हमें अपनी लाइफ में भी बैलेंस बनाना है, निगेटिव पॉजिटिव में। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।